सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है, जम के बोलिए, शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती, पर भाग्यशाली अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगत जननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते, बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना, पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया, पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या, नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्री फल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा, शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है, मात्र 3 महीने। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी अगर मौका लगे सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की, जम के बोलो जरा, अष्टमी, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का, थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से
तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना देसी गाय का दूध, धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ अब समर्पित करना देसी गाय का दूध, एक एक बूंद समर्पित करना, धीरे धीरे समर्पित करना। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए, कार्य में सफलता मिलती ही। शिव तत्व को धारण